हाय, वेलकम टू एबल्स ट्यूटोरियल्स। आज सेकंड एपिसोड के अंदर हम सीखेंगे एडोब इलस्ट्रेटर के अंदर हम पेन टूल के साथ क्या क्या कर सकते हैं, तो चलिए सीखते हैं। हाय, लेट्स लर्न अबाउट द पेन टूल। आज ये मेरा पेन टूल है और पेन टूल के साथ क्या होता है, मैं कहीं भी क्लिक कर सकता हूँ, किसी भी डायरेक्शन में, ये देखिए कोई भी डायरेक्शन में मैं जा सकता हूँ, और शिफ्ट दबाऊंगा तो वही 45 डिग्री के इंक्रीमेंट के अंदर मैं इसको जा सकता हूँ। एंड कहीं भी क्लिक करके मैं इसका एक कोई भी शेप बना सकता हूँ, जैसे कि ये मैं लाइन ऑन कर लेता हूँ ताकि आपको क्लियरली दिखाई दे जाए। मैं अगर इसको ड्रैग करता हूँ तो कर्व आ जाता है। आप ये देखिए, आगे आने वाले मैंने अभी पॉइंट क्लिक नहीं किया, बट आगे के लिए भी मेरे को ये दिखा रहा है कि कर्व आपका कैसे ये जा सकता है। तो ये भी मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया। अगर मैं सिर्फ क्लिक करता हूँ तो पॉइंट बनाएगा, आगे कर्व नहीं करेगा। तो ये देखिए, अगर आपने इसने आगे कहीं कर्व नहीं किया है, और अगर मेरे को यहाँ पर दोबारा कर्व करना हो, मैं इसको कर्व कर सकता हूँ सिमिलरली, और मैं इसको बंद कर सकता हूँ। मैं अगर कमांड या कंट्रोल दबाता हूँ तो डायरेक्ट सिलेक्शन टूल आ जाता है। मैं डायरेक्ट सिलेक्शन टूल को पकड़ कर इसको बहुत रिफाइन कर सकता हूँ और भी शेप को, ताकि थोड़ा सा स्मूथ कर्व्स वगैरह आ जाए। एक और चीज़, जब हम इसको बना रहे हैं, हम क्लिक करके ड्रैग करते हैं अगर, और मेरे को अगर ये वाला हैंडल नहीं चाहिए, मेरे को आगे का ये जो कर्व आ रहा है ये नहीं चाहिए, इसके लिए मैं ऑल्ट या ऑप्शन दबाऊंगा, तो आप देखिए पेन टूल के साथ में एक एरो आ गया। मैं इसको क्लिक करूंगा तो ये वाला हैंडल यहाँ से बंद हो गया। तो अब ये देखिए, ये एग्जैक्टली स्ट्रेट लाइन में यहाँ से यहाँ तक स्ट्रेट लाइन गया, कोई कर्व नहीं है। एंड अगर मेरे को दोबारा कर्व देना है, आई कैन ऑलवेज ड्रैग एंड इसका फिर से कर्व बंद कर सकते हैं। यहाँ जाके आप इसको दोबारा ड्रैग कर सकते हैं। यहाँ पे क्लिक किया आपने, पाथ क्लोज करने के बाद भी आपने ड्रैग किया, नोटिस कीजिए लेफ़्ट साइड के ऊपर कर्व को इसने नहीं छेड़ा है, सिर्फ इतना ही ड्रैग किया है। वन मोर थिंग, आप इसको किसी पॉइंट के पास जाएंगे तो ये माइनस पॉइंट दिखा देता है। यहाँ पे इसको सेलेक्ट करें, अगर आप सेलेक्ट करके जाएंगे तो फिर से ये कोई भी पॉइंट के पास माइनस पॉइंट दिखाएगा, एंड कोई भी पाथ के पास प्लस का साइन दिखाता है। दैट मीन्स यू कैन ऐड अ पाथ देयर। माइनस मतलब आप कोई भी पाथ, कोई भी एंकर पॉइंट डिलीट कर सकते हैं। इसमें खास बात यह है, जो कि सिलेक्शन डायरेक्ट सिलेक्शन टूल में नहीं थी, जब हम डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से पाथ या एंकर को हम डिलीट करते थे तो वो पाथ ओपन हो जाता था, उसमें बीच में मतलब कोई भी लाइन उस मतलब क्लोज नहीं रहता था, कोई भी लाइन जुड़ी नहीं रहती थी। इस केस में अगर मैं इस एंकर पॉइंट को डिलीट करता हूँ तो देखिए पाथ क्लोज्ड ही रहेगा, इट विल नॉट ओपन अप द पाथ। फॉर एग्जांपल, मैं जो आपको कहना चाह रहा हूँ वो ये है कि अगर मैं इसको ऐसे सिलेक्ट करके डिलीट करता हूँ तो देखिए पाथ ओपन हो गया, और अगर मैं सिर्फ पॉइंट डिलीट करता हूँ तो विद इन दैट पाथ पॉइंट ही डिलीट हुआ है, पाथ पूरा उसने क्लोज्ड ही रखा है। तो ये इसके अंदर है। ये सारी चीज़ें अगर आप इसको यहाँ क्लिक करेंगे तो ये आप अलग से भी ये टूल्स अवेलेबल हैं जिनके साथ आप काम कर सकते हैं। आप अगर इस टूल के साथ आपने अगर काम करना है, ये सेम टूल है जो जब पहले पेन टूल के साथ प्लस साइन आता है, सेम चीज़ है। आप इसको सिलेक्ट करके यहाँ पे पॉइंट दबाएंगे, कंट्रोल आपको डायरेक्ट सिलेक्शन टूल में जाएंगे, इसको सिलेक्ट कीजिए एंड आप इसको जैसे मर्जी आप प्ले कर सकते हैं। आप एंकर पॉइंट टूल में जाएंगे, इसको आपने सेलेक्ट किया हुआ है, आप इसको ड्रैग करेंगे तो ऑटोमेटिक कर्वेचर आ जाएगा। इतने ज़्यादा क्लिक्स के साथ नहीं जाने के लिए बेस्ट है अगर आप पेन टूल में ही रहें। पेन टूल में रहेंगे तो आपको कमांड दबाने से आपको डायरेक्ट सिलेक्शन टूल आ जाता है, पॉइंट के पास जाएंगे तो माइनस एंकर पॉइंट आ जाएगा, पाथ के पास जाएंगे तो ऐड एंकर पॉइंट आ जाता है। और अगर आपने ऐड कर दिया और उसके बाद ये देखिए इसमें कर्वेचर उसने ऑलरेडी ले लिया, और अगर मैं ऑल्ट दबाता हूँ तो ये एंकर पॉइंट जो है वो आ जाता है, और आप इसको किसी भी तरीके से इसके हैंडल्स घुमा सकते हैं।
पॉइंट पकड़ के आपको अगर मूव करना है तो कमांड या ऑल्ट कमांड या कंट्रोल दबाएंगे तो डायरेक्ट सिलेक्शन टूल आ जाता है। सिमिलरली एक पेन टूल और है यहाँ पे अलग से, जिसका नाम है कर्वेचर। कर्वेचर क्या है, ये सिर्फ आप देखिए इसका जो पॉइंट है गोल गोल आया है। अब मैं इसको अगर क्लिक करता हूँ दूसरी तरफ पे, तो मैं जैसे ही माउस मूव करूँगा, मैं इसको ड्रैग नहीं करा है, क्लिक नहीं किया है मैंने, क्लिक ड्रैग नहीं है, ये नॉर्मल मैं अगर इसको ऐसे ही घुमाता हूँ तो स्मूथ एक कर्व मेरे को अपने आप देता है। मैं कोई भी डायरेक्शन में जाऊँगा, देखिए अपने आप एडजस्ट करेगा ये, तो ये स्मूथ कर्व ऑन इट्स ओन दे रहा है, ये देखिए, तो इट विल एडजस्ट ऑल द कर्व्स। अब सेम चीज़ है इसमें भी, वही मैं डायरेक्ट कमांड कंट्रोल दबाऊंगा तो मैं डायरेक्ट सिलेक्शन टूल आ जाता है। अगर मैं पाथ के पास आता हूँ तो देखिए कर्वेचर वाला पाथ एंकर पॉइंट ऐड होगा यहाँ पे, तो ये कर्वेचर वाला एंकर पॉइंट है। अगर मैं इसको यहाँ से सिलेक्ट करता हूँ, ये देखिए हैंडल्स ऑलरेडी बने हुए हैं इसमें, माइनस नहीं करता ये, तो फॉर दैट यू हैव टू गो हियर अगेन एंड आप अगर माइनस करना मांगे तो माइनस कर सकते हैं, ये ऑटोमेटिकली कर्वेचर ले लेता है। पेन टूल ज़्यादातर यूज़ होता है ड्राइंग करने में, पोर्ट्रेट्स बनाने में, इलस्ट्रेशंस बनाने में। ये मैंने एक इमेज रखी हुई है आपको एक सिर्फ एग्जांपल सैंपल देने के लिए। मैं बड़ा सा रफ सा इसके अंदर आप कटआउट भी कर सकते हैं अगर हम ट्रेसिंग करते हैं, तो मैं आपको एक बड़ा रफ सा इसको एक एग्जांपल बना के दिखाता हूँ। ये हमने ड्रैग किया, मैं ये जो ऊपर इसका लीफ का टॉप है, मैं इसी को एक बार ट्रेस करके आपको दिखाता हूँ। आप जितना डिटेल में जाना चाहें आप उतने पॉइंट्स इसमें ऐड कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं। और ये आपने टॉप में ऐसे बना दिया, तो ये बड़ा रफ सा एग्जांपल था आपके लिए, बट आप समझ गए होंगे कि किस काम आप क्या क्या कर सकते हैं इसके अंदर। तो ये बहुत पावरफुल टूल है, जितनी प्रैक्टिस करेंगे आप और बेहतर बनेंगे इसके अंदर। अब अगले एपिसोड में मिलेंगे हम लोग, सब्सक्राइब करना ना भूलें, एंड नमस्ते, सी यू नेक्स्ट टाइम।